हृदय नित त्यावं श्री गुरु राम दास गुण नाशक विघ्नन के पीछे हो जाओ थोड़ा हर गोविंद शुभ सुमत श्री हर राय जी नमो कर जोरी नमो श्री हर कृष्ण मनायो बहोरी गुरु तेग बहादुर साहेब जी परम कृपाला जी परम श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला धरों धरा पर पुन पुन सीसा जी बंदों बार बार जग जिसमें अमृत ज्ञान है माणक भगत श्री गुरु ग्रंथ साहेब उदद मंदों कर एकंकारा सत गुरु ते प्रसाद सत हो वाहे गुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सो जय डिठे मन धीरिय किल विख वैयन दूरे सो क्यों विसरे माओ मैं जो रहया पर पूरे सो क्यों विसरे माओ श्री वाहिगुरु साहिब जी निशानी छंद सुनकर श्री सतगुर कहियो बल बुद्ध वडेरा इसको सम को जगत में हम दुति नहेरा परम सम्मान आवर साहिब कमाल बारगाह इनायत के मालक कलयुगी जीवों के उद्धार करता साहिब सहाबा ज्योत रूप हर आप मेहमान दे मालक तन 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 गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमई इनायतमई श्री चरण कमलांच बिराजमान गुरु प्यारी साध संगत गुरुदेव जी दी महान इनायत दा सदका ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਰਹਮਤਮਈ ਰੱਖੇ ਹੱਥ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਜੋ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਸਮਾਨ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਅਜੀਜ਼ ਉਲ ਨਵਾਜ਼ ਗਨੀਮ ਉਲ ਖਰਾਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे मुबारक चरण कमलां दी खाक दे नाम करना नसीब होया
सतगुरु जी की मेहर सदका सोदर चौंकी दे कीर्तन हर कीरत हमरी रहरास आरती अरदास ते फिर सदाए खास महाराज जी दे हुक्मनामे आपने झोली च पाए हन। पिंगुल पर्वत पार परे खल चतुर बकीता अंधुले त्रिभवन सुझया गुर भेट पुनीता महिमा साधु संग की सुनहो मेरे मीता मैल खोई कोट अग हरे निर्मल पय चीता ऐसी भगत गोविंद की कीट हस्ती जीता सिंह बिलाई होए गयो तृण मेर दिखीता। महाराज जी दे अमृत बचन आपने हुक्मनामे दे रूप झोली च पाए हन। कुछ समा होर मेरिया पीरिया दे दाते दल पंजन गुर सूरमा वड जोदा बहु परुक अपकारी गुरु हरगोबिंद साहेब महाराज जी दियाँ अमृत जीवन गाथावां गुरु इतिहास विचार राही गुरु दीदार दी बरकत झोली च पै सके। एकाग्रता अदब ते आनंद दी दात प्राप्त होवे इसलिए जितने इत्थे सतगुरु जी दे घर विच या साहब जी द्वारा बख्शे हुए अपने घर विच हाजरियां भर रहे हो पेशतर दोहां हत्थां नूं हिरदे दे सामने जोड़दिआं नेत्र बंद करके ऐसा गहराई तो महसूस करिए कि साडा सीस गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे पावन चरण कमलां ते टिकिआ है ते साहिब जीआं ने मेहर भरिआ हथ साडे सिर ते रखिआ होइआ। गुरुदेव जी दे शब्द रूपी कदमां नूं गलवकड़ी करदिआं चरण चुमदिआं होइआ गुरु की अमृत फतेह द्वारा सांझ बनाइए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। कल तक सरवण करदिआं इतना प्रेम सहित सरवण कीता कि श्री माता नानकी जी माता महादेवी जी जिन्हां नूं माता मरवाही भी आख्या जांदा है महाराज जी दे चरण कमलां विच बैठे हन श्री करतारपुर साहिब ते युद्ध दा कारण पुछया बई क्यों इतना वड्डा युद्ध होया 35,000 शाहजहान दी सेना मैदान विच मारी गई। भाई छेठा आदक प्यारे सिख शहीद होए कारण इस दा की रहा ते महाराज कहन लगे संगत साडे वास्ते दो घोड़े काबल तो लैके आ रही सी ओ लाहौर लंघदिआं जबरदस्ती हुकूमत वालों खो ले गए ते साडा बहादुर सिख बहादुर भाई बिधी चंद पहला घोड़ा काई रूप बन के ते किले दी दीवार तो छलांग लगवा के लै आया। फिर दूजा घोड़ा खोजी बन के ज्योतिषी बन के भेस बदल के दूजा भी लै आया ते फिर दस भी आया भई मेरा नाम विधि चंद है मेरे गुरु दा नाम गुरु हरगोबिंद साहिब है ते भाई रूपे नगर टिके हुए हैं। पहला घोड़ा भी मैं उत्थे छड़ के आया ते दूजा भी उत्थे ही छड़न जा रहे हैं ते जे तुसी मैनू फड़ना होवे ता फड़ लवो पर पहले ए सारियां कोठड़ियां दियां
चाबियां दरिया विचों कढ़ लो। सब नू मैं ताले ला के चाबियां दरिया विच सुट दित्तियां ने। पहले चाबियां लभ लो फिर मैनू फड़ लियो। माता महादेवी जी मरवाही जी आखन लगे भी बड़ा बहादुर सिख है, बड़ा महान सिख है, इहो जिहा चोर तो अगे देखे ही नहीं आना जिसने इस ढंग दे नाल पहला घोड़ा लिया ते फिर डरिया नहीं दूजा फिर लैन पहुँच गया। गुरसिख दे हिरदे विच जद गुरु वसदा है तां उहदा हिरदा आनंद नाल भर जांदा है, रस नाल भर जांदा है और निरभैता नाल भर जांदा है। सिख डरदा नहीं किसे तों, सिख परवाह नहीं किसे दी करदा, परवाह ना ही किसे केरी बाज सच्चे ना। अपने गुरु बिना होर किसे दी परवाह नहीं करदा, भई कौन की है, कोई बादशाह है, कोई राजा है, कोई महाराजा है, हाँ अपने गुरु दी परवाह करदा है। ते हर वेले गुरु नू हाजर नाजर समझदा है, उसनू पता है भई गुरु प्रसन्न तां ही आवेगा जे अमृत वेले जाग के इसनान करके जाप करांगा, नितनेम करांगा, सच बोलांगा, जत सत रखांगा ते किरत विरत करके ते दसवंध भेटा करांगा। वो अपने गुरु दी हर गल दी परवाह करदा ते फिर गुरु दा मेहर भरिया हथ सिख दे सिर ते आ जांदा। फिर महाराज फुरमान करदे ने, कहिंदे ताहे कहा परवाह काहू की, जाके बसीस तरियो गुर हथ। जिस दे सिर ते गुरु दा मेहर भरिया हथ आ जांदा है वह पर दुनिया दियां बादशाहियां दी परवाह नहीं करता, बेपरवाह सदा रंग हर के जाको पाख स्वामी। मालक जिहदे पक्ष विच आ जांदा है उहनूं निरभय कर देंदा है। निरभउ जपै सगल भउ मिटै, प्रभ किरपा ते प्राणी छुटै। महाराज कहन लगे बड़ा निरभउ सिख है साडा, परवाह नहीं करदा किसे दी, नाम नाल जुड़िया होया ते विधि चंद सीना साडा सीना, साडा हिरदा है ये सिख। श्री मात जी बड़े प्रसन्न होइयां और कहन लगियां भई पता चलिया ए करी प्रथम भी बहुत है पत भेद पर उपकारा। ये तजिकरा चल रहा अगों सरवण करिए पेशतर, एक वारी सारे आखो धन गुरु हर गोबिंद साहिब जी महाराज, एक वारी फिर के आखो जी धन गुरु हर गोबिंद साहिब जी, धन गुरु हर गोबिंद साहिब जी महाराज। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। वाह वाह वाह। निशानी छंद सुन कर श्री सतगुर कहियो, बल बुद्ध बडेरा। श्री गुरु मतलब श्री गुरु मतलब जितने संसार ते गुरु वर्गे सिख्या देण वर्गे विद्या देण वाले शस्त्र सिखाण वाले या जितने भी गुरु करके पूजे गए हैं उन्हां विच सब तो सिरमौर गुरु हरगोबिंद साहिब जी हैं। गुरुआं दे श्री गुरुआं दे सत्कार योग। मातावां तो ये बचन सुन के महाराज सच्चे पातशाह आखण लगे बई ये जड़े ने बुल बल ते बुद्धि वड्डी है ना, बल भी है ते बुद्धि भी है, ये दो चीज़ां वख वख हन। बड़ियां लोकां कोल बल हुंदा है पर बुद्धि नहीं आती, कर बैठदे ने पर ये नहीं पता भी की करना है, बिल्कुल बुद्धिहीन मनुख इस तरह ही है जिवें एक पागल तुरिया फिरदा है ना, पसीना पसीना होया पर उन्हूं ये नहीं पता भी जाना किधर है, उहदी मंजिल की है, तुरिया फिरदा बथेरा। आए गए सामने लोगों नूं गालां भी कढ़दा है, पत्थर भी मारदा है,
पर यह नहीं पता भाई मारदा क्यों पिया ते किसनू मारदा हाँ। बल ते है पर बुद्धि नहीं। ये सुमेल किधरे किधरे होंदा है भाई, बल भी होवे ते बुद्धि भी होवे। निरा बल वरत्या गल बनती नहीं है, बुद्धि बल ते काबू पा लैंदी है। जैसे मैं अर्ज करा हाथी विच बल ते बथेरा है, बड़ी ताकत है, दरख्तां नूं सुंड लगा के ते पुट के सुट देंदा है, इमारतां गिरा सकदा है, बड़ी ताकत है उस विच। पर महावत कोल हाथी जिनी ताकत ते नहीं है पर बुद्धि है। इसलिए बुद्धि नाल बल नूं काबू कीता जा सकदा, ते जे बुद्धि ना होवे फिर बल तां पशु वर्गा है, ये नुकसान करदा है, इस नाल लाभ नहीं मिलता। जदों बुद्धिहीन लोग राज सिंघासन ते बैठ जाते ने फिर वो प्रजा लई दुखदाई होंदे ने। बुद्धि नहीं बल ते बथेरा, जिधर मर्जी तोपां चला देन, जिधर मर्जी टैंक चढ़ा देन। बल ते हैगा सी उस वेले दी प्राइम मिनिस्टर कोल, पर बुद्धि ने काम ना कीता ते श्री अकाल तख्त साहिब ते हमला कर दिता। बेदोषियां सिख संगतां नूं तोपां दे गोलियां दी भेट चढ़ा दिता। बुद्धि तो कम लईए ते फिर बल काबू रहिंदा। शक्ति समर्था ताकत शौर्य पराक्रम ये काबू विच रहिंदा है। ते महाराज कहण लगे इस सिख कोल दोवें ही गल्लां ने, बल भी है ते बुद्धि भी है। इस करके हाँ जी, तिसके सम को जगत में हम दुती नहेरा। स्वर्गा बली ते स्वर्गा बुद्धिवान, बल ते बुद्ध दे सुमेल वर्गा दूजा नहीं देखे। जिदे कोल बल भी होवे ते बुद्धि भी होवे, वरना कईयां कोल बुद्धि ते होंदी है पर दूजियां दा नुकसान करन विच वरतदे। जैसे चुल्हे विच जलदी हुई अग सुधात्रां लई भोजन तैयार करदी है, पर घर विच लगी हुई अग ते घर दा सत्यानाश कर देंदी। इस तरह बुद्धि दा सद उपयोग मनुख दे जीवन नूं महान 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 बना देंदा है, पर बुद्धि दा दुरवरतों दा सुभाव ये मनुख नूं शैतान बना देंदा। ऐसा मनुख जेलां च मिलेगा, ऐसा मनुख काल कोठड़ी च मिलेगा। बुद्धि सी पर गलत पासे वरत ली, बल सी पर गलत पासे वरत लिया। महाराज सच्चे पातशाह कहण लगे इहो जिहा बंदा जिहदे कोल बल भी होवे ते बुद्धि भी होवे, विधि चंद वर्गा दूजा नहीं देखिया। चोरी करवे चातुरी ऐसी उपजावे, चोरी करदा है ते ऐसा चतुर है। सत संगत बहुत सारे काम चोरी करने पैंदे, भजन बंदगी चोरी करनी पैंदी है, लोकां दे सामने दिखावा नहीं आउंदा। कबीर कहंदे ने परमात्मा ते खुद चोर है, ठग है, हर ठग जग को ठगौरी लाई, चुरा लैंदा है, हर लैंदा है, लोकां दे दुख चुरा लैंदा है, लोकां दीआं बिपतावां चुरा लैंदा है, लोकां दी मंद बुद्धि चुरा लैंदा है ते सदबुद्धि दे देंदा। सत संगत गुरु भी साडे अवगुण चुरा लैंदा है। कदे चोरी शब्द नूं इह ना समझ लैणा बई बिदई चंद जी बड़े वड्डे चोर ने। हाँ कुछ समा माड़ी संगत विच रहे, चोरी दी आदत पै गई, पर फिर परउपकार ही उस तों बाद ज्यों भाई अदली जी नाल मिलना होया, गुरु अर्जन देव जी का चरणामृत प्राप्त होया, फिर ब्रह्म ज्ञानी ने बहादुर विधि चंद जी चोर नहीं। उंज लोग कह छड्डदे ने कोई वड्डा अमीर बन जाए ना तो फिर कही जांदे ने जी की होया अज बड़ा अमीर बन गया। कुछ साल पहला तो साढ़े मुहल्ले च किराए ते रहिंदा सी, तेनू पुछो तू कित्थे रहिंदा सी, कहिंदा मैं तो अज भी उसे ही किराए ते रहना जिस ते पहला रहिंदा सी।
बस पुरानिया कमियां लोग एवें उगाड़ते रहते। इस तरह बहादुर बाबा बिधी चंद ब्रह्म ज्ञानी बाबा बिधी चंद जी नू चोर कहना ये सतगुरु जी की सिखी का अपमान करन बराबर। वो विधिवान है, वह बुद्धिवान है, वह महान सियाणा ब्रह्म ज्ञानी गुरसिख है महाराज एवें नहीं तारीफ कर रहे। सुन बे देखन हार नर सब को बिस्मावे। जिहड़ा इन्हां दे बुद्धि दे कारनामे सुनदा है देखदा है महाराज कहण लगे ए मरवाही हो विस्मित हो जाता है हैरान हो जाता है। करी प्रथम पे बहुत है हित पर उपकार। इसने कई चोरियां कीतियां ने पर उपकार वाले है ते चोरी दुनिया की नज़र विच किले चो घोड़ा चुरा के लियाना है ते चोरी दुनिया की नज़र च तो इनू चोर ही किया जाएगा चोरी किया जाएगा पर जानते ने चोरी नहीं ये गुरु संगतां दी अमानत जो खो ली है वो खो के लिया है चोरी नहीं अपना माल कर लिया है अपने घोड़े कर लिया हैं चोरी नहीं तो मेरे चोरी दी किरत लग रही है पर इनू चोरी नहीं आख्या जाएगा इनू बहादुरी इसनू महानता ते वड्याई ते जमा मर्दी आख्या जाएगा। सिख बनियो बट गुरन कोरन सूर उदारा। महाराज कहन लगे है दामोदरी जी ए नानकी जी ए वड्डे गुरुदेव जी दा भाव गुरु अर्जन देव जी दा सिख हैगा है। महाराज कोलों इसनों चरणामृत दी दात महान दात प्राप्त होई होई है। कहत नानकी हे प्रभु तिसले हो बुलाई। मैदाने जंग दा बड़ा जमा मर्द है मर्दे मैदान है बड़ा वड्डा उदार सूरमा है उदार सूरमा उसनू कहंदे ने जेड़ा हंकारी सूरमे दा हंकार तोड़ दे पर कमजोर ते वार ना करे उनू उदार सूरमा कहंदे कोई निहत्था हो गया उसते वार ना करे जेड़ा पहले वार ना करे भावें कोई होवे उसनू उदार चित सूरमा कहंदे ते अगला जे माफ़ी मंग ले ते माफ भी कर दे उसनू उदार चित सूरमा कहंदे। महाराज सच्चे पातशाह कहन लगे सिख बनियो बड गुरन को रण सूर उदारा कहत नानकी हे प्रभु तिस लिहो बुलाई। तन तन श्री मात नानकी साहिबा गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे जननी तन जननी जिन जाया गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी दादी माँ शहीद बाबा अजीत सिंह बाबा जोरावर सिंह बाबा जुझार सिंह बाबा फतेह सिंह जी दी पड़दादी माँ इत्थे नाल रहे ने माता गुजरी जी दे नाल रहे ने। पीर भीखन शाह ने जद मन तालबे दीदार अम दा होका दिता ऐ बार ड्योड़ी है जिथों महाराज ने प्रवेश किया नवी इमारत उत्थे संत बाबा महेंद्र सिंह जी गुरु नानक निष्काम सेवक जथा इंग्लैंड वालिया ने बड़ी खूबसूरत बना दिती है ते उदा बोर्ड बनता पिया इत्थे लग जाए। कई संगतां ने कहा बई इत्थे बोर्ड हुंदा सी वो नवी इमारत बनी करके हुण उस तरह का सोहना चमकदार बोर्ड तैयार हो रहा लग जाना जिसनों पढ़दिया दूरों ही पता लग जाएगा कि महाराज कि तारीख नू इत्थे आए इस दरवाजे राही प्रवेश किया। इस ही ड्योड़ी दे बाहर साईं भीखण साहब बैठे सन ते माता नानकी जिया ने कहा वे नहीं बालक छोटा है दर्शन नहीं करा सकते। फिर हौली हौली खेड वरती ओ श्री महान पवित्र आत्मा मात नानकी जी आखण लगे स्वामी जी बिधी चंद नूं इत्थे बुला लो असी भी देखना है वो किहड़ा सिख है जिस दी आप वड्याई कर रहे हो। किम कीनत दुष्कर्म को तेह देहु सुनाई। ओ किस तरह उन्हें औखा कम सिरे चाढ़िया सानू आप
ਸੁਣਾਵੇ ਹਨ ਜੀ ਪਠਿਓ ਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਜ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਇਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆਪ ਮਹਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਇਸ ਲਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਹਾਨ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਬਲਵਾਨ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੁਲਾ ਲਵੋ ਇਹ ਔਖਾ ਕਰਮ ਕਿਵੇਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਕਰੀ ਤਬ ਬੰਦਨਾ ਨਿਜ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਾਓ ਬੁਲਾ ਲਿਆਓ ਉਹ ਸੇਵਕ ਬੁਲਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਈ ਸੰਗਤ ਬੁਲਾਵੇ ਅਤੇ ਆਖਣ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਨਹਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਦਸਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਜਾਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਨਿਰਾ ਤਿਆਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਤਿਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਦੁਮਾਲਾ ਵੀ ਸਜਾ ਲਿਆ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਸਜਾ ਲਏ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਿਆ ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੁਮਾਲਾ ਸਜਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਨ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਝਟਪਟ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰ ਮਹਿਲਾ ਕੋ ਮਾਤ ਕੈ ਮਸਤਕ ਕੋ ਟੇਕਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਾਤਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਕੌਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਕੌਲਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਾਤਾ ਕੌਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਸਿੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੋ ਮਹਿਲ ਹਨ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ ਜਿਸ ਬਹੁਤੀ ਸੌਂ ਪਤਰਾਲੀ ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਏ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਕਿਆਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਮਾਤਾ ਦਾਮੋਦਰੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰ ਮਾਤਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਉਸ ਵਿਭੂਤੀ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਉਸ ਵਿਭੂਤੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ
जो गुरु दे घर पुत्र बन के जन्म लिया, जिसने साहिबजादा बाबा श्री चंद जी नू, बाबा लक्ष्मीदास जी नू, बाबा दात बाबा दास जी नू, जिन्हां नू दातू दासू कहने, इन्हां नू साहिबजादा या बाबा आख्या जा सकदा। कई वारी असी भुलेखे नाल अपने बच्चा किसी मेहमान नाल मिलवाउंदे आ ते कहने आ जी ये मेरा साहिबजादा है, इहदा मतलब है तू साहिब है जो तेरा ये साहिबजादा है। शब्दां दे बोलण दा सानू ढंग नहीं आउंदा, समझ नहीं आउंदी। हाँ जे इहो जिहा शब्द कोई महंगा वरतना है तो इतना कह लो जी ये थोड़ा खादमजादा है, भाई सेवक दा पुत्तर है। खादम मतलब सेवक, खादमजादा सेवक दा पुत्तर। जे कोई महंगा शब्द वरतना है तो इस तरह कह सकते हो। साहिबजादा खवाण दा हक केवल ते केवल बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह आदि गुरु पुत्रां नूं, बाकियां नूं नहीं। इसलिए कुछ शब्दां दी वरतों, माता कह के बहादुर बाबा बिधी चंद जी ने मातावां नूं भी मत्था टेकिया। आग्या ले बोलियो जवै कै जल्द विवेक। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह जो सागर ने विवेकता दे उन्हां तो आग्या लैके ते कोल बैठ गया है। ओ आपने कर्म को जिम पूरब आयो। हुक्म होया भी जिवें पहला किते ने काम सारे सानू दसो। किम चोरी दुष्कर करी तन को हर लियायो। किस तरह वड्डी चोरी तुसी कर ली, शब्द तो यही वरत्या जाएगा, पर फिर मैं दोहरावा चोरी नहीं है। चोरी तो उन्हें की जिन्हें उन्हें चोरी नहीं, उन्हें डाका मारे, उन्हें राज नहीं की, रस्ते में संगत कोलों घोड़े खो लेना, ये कोई बहादुरी का काम नहीं, ये राज नहीं, ये डकैती है। तो बहादुर बाबा बिधी चंद अपने ही घोड़े लेके आए, ये बहादुरी है। पर जेड़ा कर्म है वो बाहरों इस तरह दिखता है, तो आख्या किस तरह ये सारा किता। कहो प्रसंग सब छोड़ते इम सुन बोचा है। किस तरह जिवें सारा प्रसंग होया वो सिरे तो सानू सुनाओ। बिधी चंद तब जोर कर उचरियो गुर पाहै। बहादुर बाबा बिधी चंद जी ने हाथ जोड़े ते महाराज जी दे चरणा विच आखना दसना प्रारंभ किया। पूरब तस्कर कर्म को मैं करत घनेरे। महाराज सच्चे पातशाह सच है भई गुरु पिता वड्डे सतगुरु जी दी शरण विच आउण तो पहला मैं बहुत चोरियां कीतियां, कनेरे एहो जे काम कीते हन। महकी सुंदर बृंद को चोरी एक बोए रे। महाराज सच्चे पातशाह एक वारी ता मैं बहुत सोहणियां कुंडियां मीणियां मज्जां चुरा लई, चंगी वड्डी गिनती विच। लेनिक सियो तूरन करत निज घर को चाला। मैं मज्जां महाराज चुरा के उन्हां नूं हिकदा होया अपने घर वल चल पिया। सुध होई पुन ग्राम के निक से नर जाला। मैं ज्यों वाड़े विचों सारे पिंड इक्को वाड़े च मज्जां वाड़ देंदे होंदे सी, पुराने समय च पाली होंदे सन, उन्हां दिने चारण लै जाना, राती लिया के वाड़े च बंद कर दे, बाहरों बांस आदक ला के बाड़ा बनाया होंदा सी, उस विच बंद कर देनी है, सवेरे फिर खोल लेनी। वह वाड़े चो मझां खोल के जद मैं चलिया ते पिछे पिंड वालिया नूं पता चल गया। खोज पाए मैं खीन को पर पाछ पुकार। ते महाराज सच्चे पातशाह एक अद्धी मझ ता है नहीं सी, कई मझां सन, और जिधरों आउंदियां रहियां पिछे खुर भी लगदे रहे। महाराज सच्चे पातशाह मैं मझां खोल सकदा सी, हिक के लिया सकदा सी, पर उन्हां दा खुरा ते नहीं सी ना चुक सकदा, वह तो लगना ही सी। उन्हां दा खुर पैरां दे निशान लगदे रहे ते लोग पिछे चल पे। आगे मैं उतलाव तो बहुत दूर सिदार। आगे मैं झटपट मझां नूं तेजी नाल हिकदा हिकदा काफी दूर आ गया। चोले ग्राम समीप जब पहुंचो उतलाए। महाराज सच्चे पातशाह जेड़ा चोला नगर है आप जी दा,
ਉੱਥੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਏ ਸੋ ਮਿਲੀ ਗੁਹਾਰ ਤਵ ਇਮ ਕਹਿਓ ਉਪਾਏ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਰ ਦੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੋ ਤਾਲ ਜਲ ਕੋ ਪਰਿਓ ਸਭ ਮਹਿਕ ਪ੍ਰਵੇਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਕੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੱਝ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲਟਕ ਜਾਏ ਨਾ, ਕੰਮ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਵਤ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਗਈ ਭੈਂਸ ਪਾਣੀ ਮੇਂ, ਬਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਕ ਕੇ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਦਲੀ ਗੁਰ ਕੋ ਸਿੱਖ ਤੈ ਜੈ ਸੁਮਤ ਬਿਸੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਅਦਲੀ, ਉਹਦਾ ਅਸਥਾਨ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਔਰ ਚੰਗਾ ਸਮਾਗਮ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਜਾਏ ਚਰਨ ਪਰ ਮੈਂ ਭਰਿਓ ਸਭ ਬਿਨੈ ਸੁਣਾਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀ ਭਿਆਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਬਹੁਰ ਕਰੋ ਸਿੱਖ ਆਪਨੋ ਦੀਜੈ ਉਪਦੇਸਾ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਰਕਸ਼ਾ ਕੀਜੈ ਰਿਪਨ ਤੇ, ਤੁਮ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਉਪਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਆਏ ਕੋਈ ਨਾ, ਪੜ ਲਓ ਠੀਕ। ਅਦਲੀ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਤਵੈ ਬਹੁ ਪਏ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਅਦਲੀ, ਵੈਸੇ ਅਦਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਦਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀਨ ਬਤਾਵਨ ਸੁਭਵਤੀ ਮਗ ਭਾਗ ਵਿਸਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਸਦਕਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਰਾਖੈ ਤੁਬਲਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੁਰਖਾ, ਮੇਰੀ ਇਤਨੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾਵਾਂ, ਅਨੰਤ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਲਾਜ ਰੱਖਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਰ ਬਖਨੋ ਸਿੱਖ ਜਾਇ ਕਰ ਤਿਸ ਕੈ ਅਸਕਾ ਜਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੁਣ ਤਿਸ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੈ ਮੈਂ ਤਾਰਨ ਕੀ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਤਮਕ ਸਨ ਮੈਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ, ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ। ਰੇ ਆਰਾਧਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰ ਸਰਨੀ ਦੀਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੈਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਰੇ ਆਰਾਧਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰ ਸਰਨੀ ਦੀਨਾ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੀਨ ਬਣ ਕੇ ਸਰਨੀ ਪਿਆ। ਮਨੋ ਸਹਾਇਕ ਦਾਸ ਲਖ ਤੁਮੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਸੇਵਕ, ਮੈਂ ਦਾਸ,
मैं बहुत गुनाहां नाल भरिया होया, सेवक समझ के मेरी लाज रख लो, तुसी अंतरयामी हो। मैं रहो समीप की कर कै निज स्वामी। महाराज सच्चे पातशाह एक बारी मैनू बचा लो, मेरी लाज रख लो, ते मैं थोड़े चरणा विच थोड़ा सेवक बन के आप नू स्वामी बना के रहांगा। मैं ध्यान सुतार कै थिर पात इस थाना। मैं गुरु अर्जन देव जी दे चरणा दा ध्यान करके ते उत्थे ही कोने विच एक जगह खड़ा हो गया, हाथ जोड़ ले ते गुरु अर्जन देव जी दे चरणा दा ध्यान कीता होया सी। तब लो आए गुहार गन ले खोज महाना। सब संगत चोर ध्यान नहीं कर सकता, गुरु कर्म एदा जरूर इन्हां दा, भैड़ी संगत करके हो गया, पर अंदर भलाई सी। बिना भलाई दे गल बन नहीं सकती, तेल ना होवे दीवा किवें जले। महारिशियां ने सप्त रिशियां ने देखिया बई भावें ये वाल्मीक जिहड़ा डाकू, एक महापुरश होए वाल्मीक, एक डाकू है, बई ये जिहड़ा डाकू है भावें बाहरों करमे का है पर अंदर कुछ हैगा, ये बदल सकता है। महाराज गुरुदेव जी ने देखिया, गुरु नानक देव जी ने भी ठग है सज्जन, पर अंदर कोई खेड अजे माड़ी जी कणी बाकी है। हर वारी बंदा मार के फिर पछताउंदा है, भई नहीं मारना चाहिए, असी पाप किया, अजे कणी बची हुई है, तो सारी ना मुक जाए ते महाराज ने उधार कर दिता। भूमिए कोल गए, वह भी उदे अंदर कणी अजे बची हुई सी, ते आख्या उहने कहा महाराज मेरे कोल चोरी नहीं छुट्टनी। साहब कहण लगे फिर झूठ बोलना छड़ दे, किसे दा खा के बेईमान नहीं होना, मुकरना नहीं, नमक हराम नहीं होना, गरीब मार नहीं होण देनी। महाराज जी का बचन मन लिया ते भूमिया संत बन गया, कौडा महापुरख बन गया, राक्षस ना रहा। अंदर कणी होंदी है फिर सह संगत सुभाव बन जाता है, बई पाप किया, कतल किया, चोरियां कीतियां, ते मन पश्चाताप ची नहीं आ रहा, सगो खुश हो रहा, बई बड़ा चंगा कर दिता। ये समझो ये मनुख का कर्म, कर्म तक होवे तो बदलिया जा सकता है, पर सुभाव तक चलिया जाए फिर बदलना औखा हो जाता, फिर नहीं बदलिया जा सकता। हाँ गुरु ही कृपा कर देवे तो हो सकता है, इन्हां दे अंदर अजे कणी बची हुई सी, ते आखिया सच्चे पातशाह दा मैं ध्यान करन लग पिया। ध्यान तो ध्यानी लोग करते ने, चोर थोड़ी करते। इस तरह महाराज जी का ध्यान करके मैं खड़ा रहा, ते इतने नू बाहर पिछे आ गई खोज कर दी कर दी। सरलग खोज नहार ते ने आ गए चाला। ते सारे नगर दे जिन्हां दियां मझां चोरी होईयां सन, ओ देखदे ने वी खुरा तालाब तक आ रहा, मझां दे पैरां दे निशान तालाब तक आ रहे ने, अगे नहीं जा रहे, इत्थे वड़ियां हन। इत उत खोजत फिरत पेसे मानव जाला। बहुत सारे बंदे सने इधर उधर खोजते फिरते हन। दिली सिख बलोक कह तिन साथ बखाना। महाराज जी का महान परोपकारी सिख भाई अदली, उन्हें देखिया ते लोगों ने पूछा जड़े लभदे फिरते सन, भी की लभदे फिरते हो, इत्थे की हैगा है। क्या खोजत तुम फिरत बहु कुछ सके न जाना। कोई की लभदे फिरदे हो, साडी तां कुछ समझ नहीं आ रहा। कहत पए महखीन को एक तस कर लियायो। आखण लगे भाई अदली जी साडा कोई चोर इत्थे आया, इत्थों तक मझां साडियां चोर लियाया है, कोई लभ के पढ़ के खोल के ले आया। खोजी हाल लग आए कहने अग्र चलायो। छोड़िया मझां दा खुरा खोज पैरां दे निशान, एथों तक आंदे ने अगे किदे नहीं जांदे। खोजत है तिस खोज को जे कर तुम हेरा। असी तां उस बंदे नूं लभदे फिरदे आं, खोज लभदे फिरदे आं, जे तुसी भी देख्या होवे। करो बतावन संत जी कित गयो अगेरा। संत जी सानू किरपा करके दसो बई वह बंदा साडियां मझां कित्थे लै गया।
ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਸੁਨੇ ਅਦਲੀ ਉਤਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਖੀ ਸਰਮਾਹੀ। ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਨੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਹ ਮੱਝਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਲਾਬ ਦੇ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੜਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ ਬਿਨ ਅਪਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਿਖੀ ਕੋ ਗਮਨਿਓ ਨਾਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਆਹੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਬੋਲੇ ਦੇਖੀ ਪਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰੀ। ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਨੁਹਾ ਨੁਹਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗਾਰਾ ਚਿੱਕੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਹਾ ਨੁਹਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪੁੱਲ ਬਰਨ ਕੀ ਇਹੋ ਸਕਲ ਹਮੇਰੀ ਸਬਕਾਰੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਪਲ ਬਰਨ ਹਨ, ਭਾਵ ਭੂਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਬੋਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਣਤਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿ ਤੁਤ ਬਹੁ ਫਿਰੇ ਕੁਛ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਏ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮਿਲਦੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਬੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸਰਬਤ ਪਏ ਸਗਰੇ ਹਟੇ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾ। ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਮੱਝਾਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਨਾ ਗਈਆਂ। ਰਹਿ ਕੇ ਗਈ ਗੁਹਾਰ ਜਬ ਮਿਲੇ ਅਦਲੀ ਸੰਗ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿਓ ਪਿਖੋ ਗੁਰ ਕੀ ਕਲਾ ਜਿਨ ਸੁਜਸ ਉਤੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੇਖ ਲੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਸ ਬੜਾ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ। ਓਹੇ ਸਹਾਇਕ ਸਿਮਰਤੇ ਦੁਹਲੋ ਕਨ ਮਾਹੀ। ਐਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਬਰਲੋਕ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਜੇ ਤਜਤ ਹੈ ਤਿਨ ਕੈ ਬੁੱਧਨਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਬਰਲੋਕ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਛੱਡਣਾ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਿਤਨੇਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੇਵੋ, ਇਹ ਦੇਵੋ, ਇਹ ਦੇਵੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਰਸ ਦੇ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦੋ ਦਾਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਬੰਦਗੀ, ਇਬਾਦਤ, ਸਿਮਰਨ, ਸਤਸੰਗ, ਸੇਵਾ, ਸਨਮਾਨ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਜਿਉ ਕਿਉ ਰਾਖੈ ਦਾਸ ਪਤ ਸਭ ਬਿਘਨ ਮਿਟਾਵੇ। ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਹੀਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ
हर प्रकार नाल ते सारे विघ्नां दा नाश कर देंदे हन। इह वडियाई गुरु की गुर सिखन पावे। ए गुरु दी वडियाई है ते गुर सिखां नूं चंगी लगदी। गुरु भी गुरु दी वडियाई गुरु दे सिखां नूं चंगी लगदी है ते गुरु भी अपने सिखां दी वडियाई आप करदा है। गुरु भी सिखां नूं चंगा समझदा है। गुरु नूं भी सिख चंगे लगदे हन। सबकारी मैखीन को औरै कर रंगा। सारियां कालियां दा बुरा रंग कर दिता। सिमरै करी सहायता बहुतूरन संगा। झटपट अंग संग होके याद करदिया ही गुरु ने सहायता कीती। दस कर की कृत त्याग कैसरनी पर जाई। मैनू भाई अदली कहन लगे भी हुण चोर दा कम छड़ चोरियां दा ते गुरु दी चरण शरण जाप है। प्राप्त होए कल्याण को तुब भाग भलाई। तेनू मुक्ति प्राप्त होवेगी ते वड्डे भाग हो जावणगे। मैं सुन उपदेश को सर महक निकारी। मैं भाई अदली जी दा बचन सुनिया ते मज्जां नूं तलाब चों बाहर कढ़िया। धर्मशाल सिख सोत को दीनी तब सारी। धर्मशाली जिहड़ा सिख सी ना धर्मशाला दी सेवा करन वाला, जिवें अज दे समय असी ग्रंथी सिंह कह सकदे, गुरद्वारे दी सेवा करन वाला, गुरु ग्रंथ साहिब दी सेवा करन वाला धर्मशाली आ। उदों कहिंदे सन धर्मशाल सिख संत को दीनी तब सारी। वो सारिया मझां धर्मशालिए नूं दे दित्तियां, भावे भी जा जिन्हां जिन्हां दियां है उन्हां वापस कर। ते हो सकदा उन्हें कहा होवे भी इन्हां दे रंग तां होर हो गए ने, ते बाबा बिधी चंद जी ने आख्या होवे कोई नहीं, जदों अपने पिंड पहुँच जाणगियां गुरु इन्हां दा रंग फिर उही कर देवेगा। जिन्हां जिन्हां दियां है ने बाबा अदली जी नूं, शुद्ध सरोवर की दिशा प्रस्थानों की। ते मैं कहा भी हुण मैं बाबा अदली जी घर नहीं जाना। आख्या फिर हुण कित्थे जाना, इत्थे रहना है? कहा नहीं, हुण इत्थे भी नहीं रहना, फिर कित्थे जाना है? आख्या उस गुरु दे चरणां विच जाना है, उस गुरु का दीदार करना है, उस गुरु नूं नमस्कार करनी है जिन्हें कालियां तो बोरियां कर दित्तियां ने, जिन्हें मेरी लाज रख ली है, जिन्हें मेरी जान बचा दित्ती है। ते मैं भाई अदली नूं नाल लैके सुधा सरोवर, अमृत सरोवर भाव अमृतसर वाले पासे नूं चोला नगर तो चल पिया। हाँ जी, दोहरा लेकर अदली संग मैं गुर महिमा उरतार। वड्डे गुरसिख महान गुरसिख भाई अदली जी नूं नाल लैके ते गुरु अर्जन देव जी दी वड्याई महिमा उन्हां दियां बरकतां हिरदे च धार के। अमी ताल पहुंचत पाए जागे भाग उदार। देख लो भाई साहब जी ने इत्थे किन्ना सोहना बचन लिखिया, सुधा सरोवर। सुधा सरोवर का मतलब सुधा मैंने अमृत, ते सरोवर सर अमृतसर। फिर नाल ही दूजी वारी अमृतसर शब्द वरत्या। इहनू पुनरुक्ति दोष कहिंदे ने। जे कविता विच उही शब्द बार बार आवे ना, ते इसनू काव कला नूं समझण वाले जाणदे ने बई इह काव कला दा इक दोष हुंदा है। ते भाई साहब नूं पता ना होवे हो नहीं सकदा। इत्थे उहनां पहलां सुधा सरोवर शब्द वरत्या अमृतसर वास्ते, ते दूजा शब्द झटपट नाल वरत्या अमी ताल। ताल दा मतलब सरोवर, अमी दा मतलब अमृत, अमृतसर। दोवें वारी इक्को शब्द नहीं वरत्या, पहला वरत्या सुधा सरोवर, फिर दूजा वरत्या अमी ताल। अमी ताल पहुंचत पए जागे भाग उदार। मैं अमृतसर पहुंच गया, मेरे वड्डे भाग बन गए, भाग जाग पे। ताई ते सिख रोज बेनती करदा है श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इसनान वड्डियां भागां वालियां नूं मिलदे ने, हर एक नूं नहीं मिलदे। फिर इस ढंग दे नाल बाबा बिधी चंद जी अपनी सारी कथा सुना रहे हन। जो मेन मेन पॉइंट ने
ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਰਸਨਾਂ 'ਤੇ ਪਵਾਓ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਨਿਵਾਜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਟਾਟਾ ਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਖਾ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਲਵਾ ਬਿਹਾਰ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਮਰਨ ਦੋ ਮਿੰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਭਿੱਜਿਆ ਹਿਰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਨੂਜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 22 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਛੂਆ ਟੋਲੀ ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। 11 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੱਜਣ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਸਭ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਂਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਕਾਦਰੇ ਹਰਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੇਕ